सब्सक्राइब करो एसके टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाओ ताकि लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एसके टेक में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कुछ फीचर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन यूज़ नहीं करता, सभी लोग यूज़ करते हो और आप भी यूज़ करते ही होगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड्स के बारे में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और कुछ ऐसे फीचर के बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो आज के स्टूडियो में आपको एवरी स्मार्टफोन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं टॉप 5 फीचर के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ, यानी कि कह लो के सेटिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, यहाँ पे गूगल अकाउंट साइन। दोस्तों, यहाँ पे जो गूगल अकाउंट साइन है वो एक तरह का ये सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो ये फीचर है ना दोस्तों, वो यहाँ पे आपको क्या कहाँ पे गूगल में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे सिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको गूगल दिखेगा। तो गूगल में जाएंगे तो फिर आपके जीमेल, जिस जीमेल में आप यहाँ से अपना अकाउंट जो है, अपना मोबाइल कनेक्ट है, वो उसमें आपको जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट है, ड्राइव है, जीमेल है, वो सब अपने जीमेल अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉन्टैक्ट्स की दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जो ये इसको यहाँ पे आपने साइन नहीं किया तो आपको साइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इसे सिंग नहीं किया तो आपको इसको कर लेना। फिर आपको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जब आप अपने मोबाइल के डायल पैन में जाएंगे और यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट है दोस्तों आपके, उसमें आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके आपको यहाँ पे उस जीमेल अकाउंट में आपको डाल देना दोस्तों। इसका क्या फ़ायदा है मैं आगे आपको बता देता हूँ। और कैसे यहाँ पे डालना है तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जिस जीमेल में हो उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना दोस्तों। फिर आपका जितने भी सारे कॉन्टैक्ट हो गए दोस्तों, वो सारे अपने जीमेल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर मान लो कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है या कुछ कारण के सर यहाँ पे अगर आपका मोबाइल फॉरवर्ड हो जाता है दोस्तों, तो आपके मोबाइल के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे डिलीट हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर को वापस लाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है दोस्तों, तो आप दूसरे मोबाइल में जब आप उसी जीमेल अकाउंट को ओपन करते दोस्तों, साइन इन करते दोस्तों, तो उस जीमेल अकाउंट में आपके सारे कॉन्टैक्ट दोस्तों नंबर जो होगा वो वापस आ जाएंगे, यानी कि उसमें ऐड होता है, इसीलिए वो आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। तो आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है, मैंने आपको बताया, तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है। काफ़ी यहाँ पर फ़ायदाकारक है, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट आपको वापस मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आती है दोस्तों, IME नंबर। दोस्तों, यहाँ पे IME जो नंबर है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एक एंड्रॉयड के स्मार्टफोन यूज़र है दोस्तों, तो आपको अपने मोबाइल के डिवाइस का IME नंबर पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, कि अगर आपका मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम होता है दोस्तों या अपना मोबाइल खो जाता है दोस्तों, तो आपको IME नंबर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर आपको अपने स्मार्टफोन को लॉक कराना चाहते तो उस IME नंबर आपको पता होना ज़रूरी दोस्तों। और आप अगर आप अपने मोबाइल को ट्रैक करना चाहते दोस्तों, कहीं गुम हो गया है दोस्तों और ट्रैक करना चाहते दोस्तों, तो आपको IME नंबर को उस वक्त आपको काम आता है दोस्तों। तो आपको ये नोट कर लेना है दोस्तों। यहाँ मेन बात आती है IME नंबर यहाँ पे कहाँ पे होता है दोस्तों। तो अगर आपको जानना है अपने मोबाइल के डिवाइस का IME नंबर दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डायल पैड में जाना है। यहाँ पे डायल पैड में आपको यहाँ पे टाइप करना है *#06#। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IME नंबर 1 और IME नंबर 2, यहाँ पे दो नंबर दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको यहीं ये जो IME नंबर है वह आपको कहीं पे नोट कर लेना दोस्तों। जब आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आपको अगर ट्रैक करना है तो इसी IME नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये नोट कर लेना है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक जो है एक सेटिंग दिया जाता है दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं दोस्तों, और बहुत सारी आपको अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी दोस्तों, और उसी की
यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, तो दोस्तों आप उस वजह से आपको बहुत यहाँ पे बोर हो जाते दोस्तों, बार बार कहीं की वहाँ से उस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहती है दोस्तों। अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको बंद करना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है दोस्तों, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, तो आपको इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में ऐप नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर देंगी दोस्तों जितनी भी आपके मोबाइल में है दोस्तों। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की यहाँ पे स्टेटस बार में नोटिफिकेशन को यहाँ पे बंद करना चाहते हैं यानी कि ऑफ करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक, तो फेसबुक पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं शो नोटिफिकेशन। आप इसको आपको अगर ऑफ कर देते दोस्तों तो ये आपकी सारी नोटिफिकेशन फेसबुक की यहाँ पे बंद हो जाएंगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसे बंद नहीं कर रहा, मैं इसे इनेबल कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे जिस एप्लीकेशन की यहाँ पे नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं जो फालतू की है दोस्तों, उसे आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इससे आप बोर नहीं होंगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स आती है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट मोड दोस्तों। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल का यहाँ पे टेस्ट मोड करना चाहते हैं यानी कि अपने मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डिस्प्ले टच में प्रॉब्लम है या स्पीकर में प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ भी कलर में, उस तरह अगर उस तरह का आपको प्रॉब्लम टेस्ट करना है दोस्तों तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग दिया जाता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कर्नल वर्जन यहाँ पे जो लिखा है उस पर आप अगर 3 बार टैप करेंगे दोस्तों तो वो ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप जिसका भी यहाँ पे टेस्ट मोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, सिम टेस्ट है, एसटीडी कार्ड है, कलर है, टच पैनल, स्पीकर है, सॉरी स्पीकर टेस्ट है, रिसीवर है, जीपीएस है, जिसका भी यहाँ पर आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ, फिर ऐसे इस तरीके से अगर आप चेक जिस तरह का आपको यहाँ पे चेक करना है वो कर सकते हैं जिसका भी यहाँ पे। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर वर्जन है, आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हो और यहाँ पे जो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों, आपके मोबाइल में भी होगा दोस्तों, आपको इस तरीके से चेक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जो टिप्स में यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिक बताने वाला दोस्तों, जिनके जरिए आप डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे सेटिंग में जाते हो और यहाँ पे चेक करते डेवलपर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो आपको इसे इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अबाउट फोन में जाइए और अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी MIUI वर्जन जो भी होगा दोस्तों, यहाँ पे आप जिसका जैसा भी मोबाइल हो और उसमें जो भी वर्जन हो उस पर आपको यहाँ पे 3 बार इस तरह से टैप करना है, फिर ये वो इनेबल हो जाएगा। फिर आपको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चेक कर लेना, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना हो और एडिशनल सेटिंग में जाने के आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ गए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कुछ फीचर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे सेटिंग दिए जाते हैं दोस्तों जिनके जरिए आप अपने मोबाइल को आसान तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं डेवलपर ऑप्शन में दोस्तों, तो अगर आपको इससे यूज़ करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं दोस्तों। तो आप अगर बहुत सारे मुझे कमेंट मिलते हैं दोस्तों तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, कैसे डेवलपर ऑप्शन में सभी का फीचर के बारे में क्या है, कुछ क्या करना है, क्या क्यों दिए जाते हैं सब, उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 5 टॉप सेटिंग दोस्तों, फीचर के कह लो दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों, और कुछ सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।